डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। राजनीतिक, सामाजिक व सांप्रदायिक हिंसा की श्रृंखला में मणिपुर के बाद मेवात में हुई सांप्रदायिक घटना और इसके बाद चलती ट्रेन में यह कहते हुए एक जवान द्वारा 3 मुस्लिमों समेत 4 लोगों के मौत के घाट उतार देना कि हिंदुस्तान में रहना है तो वोट मोदी, योगी व ठाकरे को ही देना है। इन घटनाओं ने समाज को सोचने की स्थिति में ला खड़ा किया है कि आखिर हम जा के धर रहे हैं। ऐसे में पत्रकार रविश कुमार ने आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर इन सभी घटनाओं के लिए गोदी मीडिया को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि यदि विपक्ष इस गोदी मीडिया के खिलाफ नहीं लड़ रहा है तो फिर कुछ नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया को कितना भी विज्ञापन विपक्ष दे, लेकिन चुनाव के वक्त यह सिर्फ अपना ही राग अलापेगा। ऐसे में विपक्ष को इन जहरीले एंकरों के खिलाफ चैनल मालिक मुकेश अंबानी से मिलना चाहिए। आइए पहले दिखाते हैं क्या लिखा है रविश कुमार ने। गोदी मीडिया 10 साल से जहर फैला रहा है। विपक्षी दलों को अपना आलस्य छोड़ जनता तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। कार नहीं है तो पैदल चलिए। आप इन्हें जितना भी विज्ञापन दें, इनके एंकरों को इंटरव्यू दें, मगर चुनाव में सिंगल कॉलम स्पेस नहीं मिलने वाला है। 2019 का ही कवरेज देख लीजिए, 2024 में भी यही होगा। विपक्षी दलों के नेता इन चैनलों में कैसे जा सकते हैं? सभी को एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर मुकेश अंबानी के पास जाना चाहिए, कहना चाहिए कि उनके चैनल पर बैठे 2 एंकर जहर फैला रहे हैं। आप क्यों इन एंकरों के सामने लाचार हैं? क्या ये एंकर अंबानी समूह के मालिक हैं? NBDSA ने फाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट की नई टिप्पणियां हैं। मुकेश अंबानी का नाम लेकर अपील करनी चाहिए, फिर जनता के बीच जाकर हर भाषण में इन चैनलों और अखबारों के बारे में बताना चाहिए, हर रैली और हर पदयात्रा में। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर घर में रहिए। जो गोदी मीडिया से नहीं लड़ रहा है वो लड़ ही नहीं रहा है, बाकी सब खाना पूर्ति है। NDTV के संपादक रविश कुमार के इस ताजा तरीन बयान पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुकेश पाठक लिखते हैं कि आप भी पिछले 10 साल से ही लगातार मोदी के खिलाफ ही बोलते हैं, उसी पाप के दोषी आप भी हैं। सबने अपना अपना पक्ष चुन लिया है। अगर आप न्यूट्रल रहते तो दूसरों को कहने के अधिकारी थे, लेकिन आपने भी अपना एक पक्ष चुना है जिसका लाभ आपको मिल रहा है। आपकी रोजी रोटी भी उसी पर चल रही है। डॉक्टर सद्दाम हुसैन SP लिखते हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया जो भारत में जहर बो रहा है उसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। अगर विपक्ष इनका सही तरीके से बायकॉट कर दे, इनको कोई भी पैसा ऐड के लिए न दे, इनकी हकीकत जमीन पर उतर कर सबको बताएं, यह लोग देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एजाज खान लिखते हैं कि मोनू मानेसर आतंक के जिम्मेदार है। श्वेता पांडे लिखती हैं कि नूह हिंसा में 2 होमगार्ड मारे गए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। आतंकियों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की, वाहनों को फूका, हिंदुओं की कई दुकानें जलाई, लेकिन कल से सारे यूट्यूब पत्रकार परमानेंट इलाज और अंबानी पर ही अटके हुए हैं। दंगे की सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे? मिस्टर सिन्हा ने लिखा है कि जो राहुल अखिलेश जैसे लोगों के चरणों में जमा धूल चाट चाट कर पर भरता है वो मोदी मीडिया की बात करते अच्छा नहीं लगता। मेहुल माहुल लिखते हैं कि आज गोदी मीडिया और IT सेल द्वारा चेतन चौधरी जैसे आतंकी जॉम्बी हर घर में पैदा किए जा चुके हैं। ये मेंटल नहीं आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, इसे मेंटली सिक नहीं ब्रेन वॉश्ड कहना होगा। ये RSS के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं। मेंटली सिक की बंदूक सिर्फ खास धर्म के लोगों को नहीं ढूंढती, BJP यानी भारत जलाओ पार्टी। प्रकाश चंद लिखते हैं कि अगर RSS का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो देश में गजवाए हिंद का झंडा फहराया जाएगा। इस पागल आदमी को आज RSS का प्रोडक्ट बताना सुपर पागलपन है। नदीम राम अली कहते हैं कि देश के राजा की कुंडली में ग्रह युद्ध लिखा हुआ है जिसको कोई टाल नहीं सकता। इसके साथ ही नदीम राम अली ने
सलील कुमार का एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनकी कुंडली में भी सिविल वॉर लिखा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।